और वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बेल्ला सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। पीएम मोदी ने कहा कि डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने चर्चा में कहा कि उससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आज आप लोग एक संकल्प लें कि हर साल आप अपने 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान भेजेंगे। दोनों के बीच चर्चा हुई पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम, और इस भेंट के साथ ही देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर फोकस किया। भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है, और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था, और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है, लाइफ LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिए, हाँ, इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है।